हाय गाइस, आज की वीडियो हम बात करेंगे एडिटिंग सॉफ्टवेयर वर्सिंग एडिटिंग ऐप के बारे में। एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और एडिटिंग ऐप्स क्या होते हैं ये भी बताऊंगा, और कौन सा आपके लिए बेहतर रहता है, कौन सा आपके लिए बेस्ट है जब आप इसे यूज करते हैं स्टार्टिंग डेज। क्या आप एडिटिंग ऐप यूज़ करना चाहिए या फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिससे आप एडिटिंग करें अपने यूट्यूब वीडियोज़ को, किसी वर्क करने के लिए या कोई भी काम के लिए, जब आप एडिटिंग जॉब करते हैं या वीडियो एडिटिंग का कोई भी काम करते हैं उस लिए, तो आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, क्या सूटेबल रहेगा, कौन सा आपको अच्छा लगेगा काम करने में, किसमें आप जल्दी से काम कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें, और किसमें आपका काम जल्दी से जल्दी बेस्ट होगे निकलेगा और उसमें आपको प्रॉब्लम भी ज़्यादा नहीं होने वाली, वो सारी चीज़ें इस डिटेल वीडियो में बात करूँगा। देखो, मैंने सारी चीज़ें काम करके देखा, मैं सॉफ्टवेयर पर अभी काम करता हूँ रिसेंटली, और उससे पहले मैंने सारे ऐप्स ट्राई करके देखे हैं। मैंने पावर डायरेक्टर पर वीडियो एडिट किए, मैंने काइन मास्टर वीडियो एडिट किए, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसमें मैंने वीडियो एडिट्स किए हैं। उसके बाद मैं आज आपको बताने वाला हूँ, मैं अभी कुछ लास्ट 6 मंथ से एडोब प्रीमियर प्रो पे भी काम करता हूँ, तो एडोब प्रीमियर प्रो पे मैं अपनी सारी वीडियोस एडिट करता हूँ, तो मुझे एडोब प्रीमियर प्रो का भी पूरा आइडिया है। मैं सारी चीज़ जानता हूँ किस चीज़ में कितना काम है, किस चीज़ में कितना स्कोप है, वो सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में बताने वाला हूँ। दिल थाम के बैठी सारी चीज़ आपको एक एक करके डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले जब आप एडोब प्रीमियर प्रो या कोई भी डावेंसी वगैरह कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। और कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो कि आपको एडिटिंग, अगर आपको सारे टूल्स पता भी हैं तो भी आप एकदम परफेक्ट नहीं हो जाते हैं। टूल्स सारे पता होने का मतलब ये नहीं कि आप सारी चीज़ यूज कर लेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं की फ्रेम से ही अपनी चीज़ को वीडियो को इतना रिच बना देते हैं, ना अच्छा बना देते हैं कि आप उसे देख के एकदम बहुचक्के हो जाएंगे, एकदम चौंक जाएंगे। और वहीं पे होता है जो बहुत सारे लोग मोबाइल से भी इतनी अच्छी एडिटिंग कर देते हैं। तो यहीं पे बात करते हैं, जैसे आप स्टार्टिंग अपनी जब भी कोई वीडियो की करते हैं, करियर की करते हैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाने की या फिर कहीं पर, तो अगर आपको उसमें कोई वर्क नहीं करना, सिर्फ अपने काम के लिए अगर आपको करना है और आपको एडिटिंग वगैरह सीखने का टाइम नहीं है ज़्यादा, तो आप अपने आपको एप्लीकेशन, आप कोई भी ऐप से काम करना शुरू करिए। पावर डायरेक्टर बेस्ट रहता है सबसे ज़्यादा। वहाँ पे क्या होता है, थोड़ी बहुत अगर फीस लगती है उसका जो भी है फीस थोड़ी बहुत लगती है उसे आप दे दीजिए, उसके बाद आप सेम सॉफ्टवेयर की तरह फील आने वाली है। वहाँ पे सारी चीज़ें एकदम सॉफ्टवेयर की तरह होती है, वहाँ पे वीडियो एडिटिंग एकदम स्मूथ बिल्कुल एडोब प्रीमियर प्रो की तरह अच्छी तरह हो जाती है। वहीं के बाद आप काइन मास्टर पर जा सकते हैं। आजकल सॉफ्टवेयर के अलावा जो एप्लीकेशन है वो भी इतने मतलब हाईफाई हो गए कि वहाँ पे आप एनिमेशन से लेके कुछ भी अपने मोबाइल पे डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी काइन मास्टर से। तो यहाँ पे एप्लीकेशन भी इतने बुरे नहीं कि आप एप्लीकेशन यूज करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन जब आप एप्लीकेशन यूज करते हैं वो मोबाइल पर करते हैं, वहाँ पे क्या रहता है, स्क्रीन छोटी रहती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पर आप साफ साफ काम करते रहते हैं। जैसे मैं अभी यूट्यूब पे यहाँ पे काम करता हूँ जो भी अपने एडोब प्रीमियर प्रो पे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम मुझे क्या होती है, मैं अभी मोबाइल पे वीडियो अभी एडिट करूँ तो मुझे थोड़ी स्क्रीन छोटी लगती है, तो मुझे अजीब सा लगता है। तो लेकिन आपको ऐसा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, पहले मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैं अपनी सारी वीडियोज़ जो पहले 1.5 साल पहले से मैं अपनी सारी वीडियोज़ मोबाइल पर एडिट करता था, लगभग मैंने 400 से ज़्यादा वीडियोज़ 500 से ज़्यादा वीडियोज़ मैंने अपने मोबाइल पे एडिट किए हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है मोबाइल पे वीडियोज़ एडिट करने का। और उसके अलावा मैंने अभी लगभग 100 से ज़्यादा वीडियो मैं अभी एडोब प्रीमियर प्रो पे एडिट कर चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पे भी सारे आइडिया है। लेकिन अभी मैं बिल्कुल प्रो लेवल पर नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई वो है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या एप्लीकेशन यूज करते हैं, एप्लीकेशन आपको फ्री में मिल जाती है, लेकिन सॉफ्टवेयर का आपको पे करना पड़ता है। बहुत कम ही होता है कि आप फ्री में कहीं ना कहीं से डाउनलोड कर लें जुगाड़ करके। तो यहाँ पे आपको जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन ऐप्स जो भी हैं आप एप्लीकेशन कोई भी सॉफ्टवेयर का वो नहीं, एडिटिंग का वो आप फ्री में कहीं से भी यूज कर सकते हैं, हो सकता है आपको सिर्फ वहाँ पे थोड़ा बहुत पे करना पड़े, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो आप जब स्टार्टिंग करते हैं और आपको फ्रीलांस वर्क वगैरह नहीं करना, किसी और के लिए काम नहीं करना, तो आप आराम से अपने मोबाइल में एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं और आपको सॉफ्टवेयर की कोई खास ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप कहीं पे वर्क करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, तो आपको 110% एडोब प्रीमियर प्रो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक वो मांगते हैं कि आपको एडोब प्रीमियर प्रो आना ही चाहिए, वहाँ पे ही आपकी वीडियोज़ एडिट कराते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सॉफ्टवेयर पे आप वीडियोज़ को बिल्कुल अपने हिसाब से एनिमेट कर सकते हैं, वहीं पर जब आप एप्लीकेशन में कोई भी चीज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से मिल जाती हैं, कोई बस आपने एक क्लिक किया उसके बाद वो एनिमेशन आपके ऑटोमेट हुए। लेकिन एडोब प्रीमियर प्रो में ऐसा बिल्कुल नहीं, यहाँ पर आपको एक एक की फ्रेम सेट करना होता है, एक एक चीज़ सेट करनी होती है खुद के हिसाब से, आप कैसे क्या चलाना चाहते हैं, कौन सा वर्ड कैसा लिखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ आपको खुद से सेट करनी होती है। यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करना काफ़ी मतलब हार्ड रहता है, इसका पेज देखेंगे आप काफ़ी हार्ड रहता है, तो यहाँ पे आपको चीज़ें करने में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है, रेंडरिंग वगैरह होने में टाइम लगता है, ये चीज़ें वीडियो एडिटिंग ऐप्स में नहीं लगती ज़्यादा टाइम।
वहाँ पर जल्दी से हो जाती है। तो ये था, अगर आपको कहीं वर्क करना है, जैसे फ्रीलांस वर्क करना है, आप वीडियो एडिटिंग में अपना करियर बनना चाहते हैं, तो आपको एडोब प्रीमियर प्रो सीखना कंपलसरी हो जाता है। एडोब प्रीमियर प्रो के अलावा अगर आप कोई और सीखते हैं फिल्मोरा वगैरह, तो वहाँ पे इतना कुछ नहीं होता, वहाँ पे आपको इतना वर्क नहीं मिलेगा, आपको एडोब प्रीमियर प्रो पर सबसे ज़्यादा वर्क मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अगर आप काइन मास्टर में प्रो हो जाते हैं, काइन मास्टर पर आप एनिमेशन वीडियो से लेकर सारी चीज़ें बना सकते हैं, उसका प्रीमियम ले लीजिए, आप अपने मोबाइल पर एनिमेशन वीडियोज़ भी बना सकते हैं अगर आप सीखते हैं तो वो सारी चीज़ें भी काफ़ी ईजी हो जाती है काइन मास्टर के साथ। आप अगर करना चाहते हैं तो काइन मास्टर से भी सीख सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप मोबाइल से स्टार्टिंग करते हैं तो आप अपने काइन मास्टर या पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन का यूज करिए। इनके छोटे सस्ते सब्सक्रिप्शन आते हैं, आपको सारी चीज़ें एक्सेस मिल जाएंगे, आप आराम से उन्हें यूज़ करिए और आप प्रो लेवल की वीडियो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो एडिट करना काफ़ी आसान रहता है, आप सीखे बिना भी कुछ दिनों के एक्सपीरियंस के बाद ऑटोमेटिक आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वहीं पर जब आप प्रीमियर प्रो पर काम करते हैं तो आपको पहले सीखना होगा, उसके बाद भी आपको चीज़ें नहीं आएंगी, उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा और आपको लगभग 40 से 50 वीडियोस एडिट करने के बाद थोड़ा बहुत आइडिया होना शुरू होगा कि आप वीडियोस में कैसे थोड़ी बहुत एनिमेशन लगा सकते हैं, क्या सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो अभी एनिमेशन वगैरह लगाने के आफ्टर इफेक्ट वगैरह भी यूज़ करना आना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते टाइम पे आपको करनी पड़ेंगी, तो वो सारी चीज़ें छोड़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको एडोब प्रीमियर प्रो या और भी डिटेल में वीडियो चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना चाहिए, ईजी कौन सा रहता है, आपको वर्क नहीं करना, और आपको सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। और एडोब प्रीमियर प्रो आपको डाउनलोड करना है फ्री में, वो भी आपको बता दूंगा अगर आपको कैसे करना है, लेकिन उसमें सारी चीज़ें नहीं मिलती, नॉर्मल आपको एक पुराना वाला वर्जन मिल जाएगा। और एडोब प्रीमियर प्रो के लिए कितनी ज़्यादा कंप्यूटर में रैम वगैरह चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको जानी तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए ओके बाय।